हेलो दोस्तों, मैं हूँ उदय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उदय एक्सरे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोरआर्म की जो बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना, अल्ना का फ्रैक्चर देखेंगे। ठीक है, अल्ना का साफ्ट का फ्रैक्चर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप ये डिजिटल एक्सरे देख रहे हैं कंप्यूटर पर, ठीक है, यह है फोरआर्म का एक्सरे है। ठीक है, फोरआर्म का APU और फोरआर्म का लेटरल व्यू। ठीक है, और ये जो एक्सरे है, ये दूसरे पेशेंट का एक्सरे है, ये है फोरआर्म विथ रिस्ट जॉइंट का APU और लेटरल व्यू। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दोनों एक्सरे में कि क्या ओपिनियन निकल के आ रहा है और इसमें डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी एक्सरे को पढ़ने से पहले उसकी एक्सरे एनाटॉमी या नॉर्मल एनाटॉमी पता होना चाहिए, तभी आप उस एक्सरे में डायग्नोस किया ओपिनियन देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है या कोई बोन फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है, इसका पता लगा सकते हैं। तो फोरआर्म का एक्सरे, नॉर्मल एक्सरे देखने के लिए आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले ये एक्सरे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये फोरआर्म का APU है। ठीक है, फोरआर्म में दो बोन होती है जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, ये है रेडियस बोन और ये है अल्ना बोन। ठीक है, और लेटरल में देख लीजिए, ये अल्ना बोन है और ये रेडियस बोन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको अल्ना बोन में एक फ्रैक्चर दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर और डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर है ना। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है ये और डिस्प्लेसमेंट टाइप फ्रैक्चर है। ठीक है, तो ये आपको APU में देख लीजिए और यहाँ पे लेटरल व्यू में देख लीजिए, आपको थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर, लेकिन यहाँ पे ये इसका फ्रैक्चर लाइन ये है। ठीक है, और ये नेक्स्ट एक्सरे में देख लेते हैं, ये दूसरे पेशेंट का एक्सरे है। इसमें देखिए, यहाँ पे ये भी अल्ना में फ्रैक्चर है, इसमें भी, तो अल्ना में देखिए इस रीजन में फ्रैक्चर है। ठीक है ना, ये भी ट्रांसवर्स और डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर है ना। ये APU में देख लीजिए, लेटरल में देखिए, ये यहाँ पर ये अल्ना बोन है, इसमें ये फ्रैक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें अल्ना बोन के डिस्टल साफ्ट में फ्रैक्चर है, डिस्टल वन थर्ड में। ठीक है, और इस एक्सरे में मिडिल साफ्ट में, अल्ना बोन के मिडिल साफ्ट में फ्रैक्चर है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसमें। देख पा रहे हैं आप, तो इसमें मिडिल साफ्ट में फ्रैक्चर है इस एक्सरे में अल्ना बोन के, और इसमें लोअर या डिस्टल वन थर्ड साफ्ट में फ्रैक्चर है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।